हर साल की तरह ही इस साल भी 9 सितंबर को पंजाब केसरी समूह के संस्थापक अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की 43वीं पुण्यतिथि पर देश भर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में न सिर्फ युवा बल्कि उम्रदराज लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी क्रम में अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की 43वीं पुण्यतिथि के मौके पर हल्द्वानी में भी रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की शहादत को याद किया। ब्लड कैंप में विद्युत विभाग की SDO और उनकी टीम समेत जल संस्थान के अधिशासी अभियंता ने भी रक्तदाताओं का मनोबल बढ़ाया। विद्युत विभाग खंड ग्रामीण की SDO सुबह जोशी ने कहा कि जगत नारायण जी की शहादत को हमेशा याद किया जाएगा। आज उनके पुण्यतिथि के मौके पर जो भी लोग रक्तदान कर रहे हैं वो उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि वो बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में प्रतिभाग करें। आज आप देख ही रहे हैं अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की पुण्यतिथि के अवसर पे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे समाज के लिए, क्योंकि हमने ये देखा ही है, आज कोरोना काल पे देखा है, उसके बाद और भी बहुत सारे पक्षों में ये देखा गया है कि ये जो ब्लड है इसकी क्या कीमत होती है। और ऐसे इनिशिएटिव जब समाज में लिए जाते हैं तो मेरा मानना है कि हम सबको अपना योगदान उसमें ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं, और ब्लड की कमी से बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी भी पड़ती है। तो अगर हम सब समाज में इस कदम को आगे प्रचलित करें और अपना योगदान इसमें दें तो काफ़ी संख्या में लोगों की जानें भी बचाई जा सकती हैं। इसके अलावा रक्तदान शिविर में पहुंचे लोगों ने अमर शहीद लाला जगत नारायण जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके किए हुए कार्यों की प्रशंसा की और खुशी खुशी रक्तदान किया। देखिए, लाला जगत नारायण जो थे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ, वो विधायक रहे, मंत्री रहे पंजाब सरकार में, और उसके बाद राज्यसभा सदस्य भी बने, और सबसे बड़ी बात ये महान क्रांतिकारी थे। और लाला जगत नारायण हिंदी को बढ़ावा देने के प्रबल पक्षधर थे। जब 1981 की जनगणना हुई तो पंजाब में आतंकवाद चरम पर था, तो उन्होंने अपने अखबार पंजाब केसरी में लिखा कि जो हिंदू लोग हैं वो अपनी मातृभाषा हिंदी बताएं, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी वहाँ उनका पूरा नाम, पिता का नाम और सब पूरा बायोडाटा पूछता है, तो मातृभाषा भी पूछते हैं। तो इससे कुछ कट्टरपंथी नाराज हो गए, और उसमें जो भिंडरे वाले थे उनको बड़ा वो बड़े से नाराज हुए, और उन्होंने कहा हिंदू हमारे संग धोखा कर रहे हैं, और ये तो मतलब कहीं ना कहीं कि मतलब पंजाब में रह के पंजाबी को अपनी मातृभाषा नहीं बताने, तो उससे कुछ उग्रवादी जो उस समय, क्योंकि उग्रवाद चरम पर था, वो लोग नाराज हो गए। और आज ही के दिन लाला जगत नारायण जी की हत्या कर दी गई, जब वो कहीं से मतलब अपने जो उनका मूल जो जगह थी वहाँ जा रहे थे, और लुधियाना में उनकी हत्या कर दी गई, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आप सभी का जो इतने इस कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं, और हमारे अमर शहीद लाला जगत नारायण जी जो आज इस धरती में तो नहीं हैं लेकिन अमर हैं, उनके प्रेरणा से पूरे, मुझे जहां तक लगता है, सभी जगह आज ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। और इसमें आपने हमें इस लायक समझा कि सहयोग हम लोगों से भी लिया, उसके लिए हम धन्यवाद हैं, आपके ऋणी हैं। और मैं ये मानता हूँ कि ब्लड हर 6 महीने में जरूर दान करना चाहिए, रक्तदान से कोई नुकसान नहीं होता है, जो मुझे डॉक्टरों ने बताया, आप सब बड़े। वहीं रक्तदान शिविर के इस खास मौके पर 35 यूनिट ब्लड एकत्र किया गया, जो कि जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान साबित होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में निवर्तमान पार्षद मनोज जोशी, अधिशासी अभियंता रविशंकर लोशाली, बिजली विभाग ग्रामीण की SDO सुभा जोशी, वरिष्ठ अभियंता धीरज पंत, जीवन चंद पांडे का अहम योगदान रहा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।